याकूब के 12 पुत्र थे, पर वो अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ को एक विशेष चमकीले रंग का अंगरखा दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उससे नफरत की। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखे। मेरे स्वप्न में हम खेत में पूले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पुखा दिया। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखे। मेरे स्वप्न में हम खेत में पूले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी ज्यादा नफरत की। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। उसके पिता और उसके भाई कुड़कुड़ाए, क्या तू ये कह रहा है कि तू हम पर राज करेगा? यूसुफ के भाई खेतों में उनके भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने उसे उनकी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार देने और उसके स्वप्नों का अंत करने की योजना बनाई। हमारे भाई को मार देना गलत होगा, रूबेन ने कहा। आओ हम उसे खाली गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। इश्माइली व्यापारी मिस्र की तरफ उनके मार्ग से गुजरे। आओ हम यूसुफ को इश्माइलियों के गुलाम के रूप में बेच देते हैं, यहूदा ने सुझाव दिया। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। भाइयों ने यूसुफ के अंगरखे को बकरे के लहू में डुबोया और इसे याकूब को दिखाया। मेरा पुत्र मर गया है, वो रोया। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मिस्र में इश्माइलियों ने यूसुफ को पोतीपर के पास बेच दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने का अधिकारी बना दिया।